हमारी बेटी है और मैं उसका बाप, बाप होने के नाते मैं उसके साथ साए की तरह हमेशा रहता हूँ। जब से वो पैदा हुई, अल्पायु से लेके बड़ी आज इस अवस्था में भी मैं उसके कदम से कदम मिला करके सदैव खड़ा रहता हूँ। चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, सदैव उसके पीछे खड़ा रहता हूँ। फिल्म का नाम है सुजानगढ़। पहले तो बता दूँ कि टाइटल से लग रहा है कि फिल्म कुछ रहस्यमयी है, कुछ है समथिंग टाइटल से। मैं बड़ा खुश हूँ, रितेश जी और अक्षरा जी दोनों साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले भी अभी वो फिल्म राजा राजकुमार की शूटिंग में दोनों ये हीरो हीरोइन के रूप में काम कर रहे थे। अभी कुछ एल्बम के गाने, एल्बम के गाने भी इन दोनों के लिए दोनों के आए हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छी बात है, एक जोड़ी बननी चाहिए, एक ट्रैक बनना चाहिए, क्योंकि कलाकार क्या है कि एक दूसरे के पूरक हैं। हम किसी भी काम को, अब मैं बाप हूँ और अगर सामने वाला बेटा है तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, वो तालमेल बनाना पड़ेगा। मुझे बेटे जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, वो मुझे बाप के जैसा व्यवहार करेगा, तो ये चलेगा। अच्छी बात है कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक जोड़ी बन रही है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। अगर दर्शक वर्ग पसंद करते हैं तो निश्चित ये जोड़ी बननी चाहिए और ये जोड़ी आगे बढ़नी चाहिए। अगर दर्शक पसंद नहीं करते तो फिर जोड़ी कामयाबी नहीं, फिर ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं। मुझे लग रहा है कि रितेश जी और अक्षरा सिंह की जोड़ी दर्शक लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे गाने के रूप में चाहे फिल्म को। हम कलाकार हैं, हम जोड़ी खुद नहीं बनाते, निर्देशक हमारा चयन करता है, प्रोड्यूसर भी हमारे चयन करता हूँ कि टीम में उच्च पद पे बैठे हैं वो लोग निर्धारित करते हैं कि इसमें रितेश जी हों, इसमें पवन जी हों, इसमें खेसाड़ी जी हों, इसमें दिनेश जी हों। और दिनेश जी, खेसाड़ी जी और पवन जी, इनके अपोजिट कौन सी हीरोइन होगी ये उन लोग मिल करके तय कर दे। हालांकि भोजपुरी में थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल हमारे हीरो साहब भी निर्धारित करते हैं कि हीरोइन कौन होनी चाहिए। लेकिन जोड़ी आप देखेंगे तो बनती रही है, एक हीरोइन की जोड़ी बनती रही है बहुत लोगों के साथ। दर्शक उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हमारा दर्शक होता है, जो हमें पसंद करता है या हमें अपना आशीर्वाद दे करके उस फिल्म को हिट कराता है। मुझे लगता है जोड़ी ठीक है, पवन जी के साथ जोड़ी अलग थी, उसको दर्शक लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब रितेश जी के साथ चूँकि स्थिति में बहुत सारी चीज़ें बदली है, बदलाव आया है, तो हमें भी समय समय पे यदा कदा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, जोड़ी जिसको आप कह सकते हैं, वो बनानी पड़ती है।